देखते हैं, हम लोग रोड पर है, क्या दिक्कत है? हर चीज का दिक्कत है। सरकार तो हाथ पर हाथ धके बैठा हुआ है। पानी भूसा हुआ है, 5-5 फीट पानी है घर में। मवेशी के लिए ना कोई चारा है, ना आदमी के लिए कोई भोजन है। डूब गया पानी में, भूसा में मवेशी के दह गया, अन्न पानी भी डूब गया। रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाने का कोई साधन नहीं है। रात में डर भी लग रहा है, रोड पर बैठे हुए बाल बच्चे के लेकर, सारा फैमिली के लेकर डर सताता रहता है। गाड़ी घोड़ा स्पीड आ रही है। हाँ, पूरा। कहाँ पर घर बना लिए हुए? ये बनाया रोड पर, बनाए हुए सड़क पर। कोई प्रशासन देखभाल नहीं कर रही? प्रशासन होता है, चला जाता है। क्या मांग करते हैं? हम लोग क्या मांग करेंगे, हम लोग को मदद चाहिए सरकार के तरफ से। देख, पानी में घर डूबा हुआ है, खाने पीने के भी साधन नहीं है, माल जाल सब रोड पे ही है। कम से 5,000 आदमी रोड पे है, हाईवे पे है, पूरे तकलीफ है। ना जा रहा है, ना खाने में के पैसा वैसा कुछ नहीं है। पोलोथीन वितरण हुआ है? कुछ वितरण नहीं हुआ है, कुछ नहीं। न कोई यहाँ के विधायक देखता, नहीं एमपी देखता है, देखे रहे हैं स्थिति। गाड़ी घोड़ा का भी डर सताता है? कोई ठीक, कब गाड़ी चढ़ जाए किसी के ऊपर मालूम नहीं पड़ता है। हाईवे पर है ना सर, देखे रहे पूरा। कितना परिवार बसा होगा? कम से कम 5,000 होगा रोड पे अभी। मदद कभी कहीं से? कुछ नहीं है, देखने तक भी नहीं आया। कुछ नहीं आया देखने के लिए। क्या क्या डूब गया है इस इलाके में? पूरे खाने पीने जितने आए, जो चारा उड़ा सब, खाने उने के सब, कपड़ा लता गेहूँ मकई सब खत्म है। कपड़ा लता भी नहीं है, खाली हाथे है बस रोड पे। पानी घुसा हुआ है, 5-5 फीट पानी है घर में। मवेशी के लिए ना कोई चारा है, ना आदमी के लिए कोई भोजन है। खेती था वो भी दह गया, और रहने का भी ठिकाना नहीं है। मकान ढह ढह के गिर रहा है, कितना मकान जो है गिर गया। फूस का जितना भी मकान था, एक पीस मकान यहाँ पर नहीं है। एकाध दो चार ना जो छत वाला मकान है, वो भी का स्थिति बहुत जर्जर है। यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। और आई प्रखंड में जो है पितौझिया गाँव है, पितौझिया जगन्नाथ गाँव है, इस गाँव में बहुत बुरा हाल है। यहाँ का किसान सबको जो है खेती लगभग धान कटने वाला था, और उस स्थिति में धान सब दब गए। जो यहाँ का स्थिति देख करके आदमी को तबीयत खराब है, किसी को दवा की जरूरी है, किसी को भोजन की जरूरी है। तो भोजन तो चल रहा है, भला बुरा लोग अपना भोजन कर रहा है, और दवा भी है, दवा भी आ रहा है, सब हो ही रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत परेशानी है। कितना परिवार होगा अभी यहाँ पर जो है? हम लोग करीब करीब 350 घर है जो यहाँ पर रोड पर रह रहे हैं। इतना घर में अब बाकी तो सब गाँवे में है। बहुत आदमी जो है जो अपना घरे में दबकल है, सब अपना जो है सब खटिया पर, चौकी पर ईटा धा के कुछ धा करके गाँवे में है। केसर सब सारे सब डूब गया है, अनाज पानी सब दहला गया, सब बच्चे के लेके इधर पानी के नदी के किनारे में हम बस रखे हैं। गोहिया टाटी बना के नली पल्ली उल्ली कुछ नहीं है, कपड़ा लत्ता सब दहा गया, अनाज पानी सब दहा गया, कुछ नहीं हमारा सके है। क्या करो, सरकार नहीं देखेंगे तक देखेंगे को? डर भी लगता है यार, डर लगता है बहुत। पंडुबा आता है, बाघ सिंह आता है कि जो खा जाएगा जानवर, जब पानी का जानवर खा जाएगा, बच्चा सके खा जाएगा, तो भर रहता बेगर दिया बाती बार के नहीं कुछ है। अन्हारे में सब गोरा गुजर गुजरान करता है। गाड़ी घोड़ा का भी डर रहता है, अलग में गाड़ी चलता है उसी का डर है। तब क्या करो, तब कैसे समय कटने का ठीक होगा। घर सब डूब गए, खाना उना सब डूब गए, अन्न पानी सब, अथी रोड के छारे बउआ सके रख के होती। डर भी लगता है? डरो लगे, चिप दे की रहे दे। पन्नी उन्नी मिला है? पन्नी उन्नी कुछ नहीं मिला है, पल्ली बोरा के सीके वा बना ले होते। कितना परिवार को लेकर सड़क किनारे? 10 गो। हाँ, 10 परिवार। कुछ मदद नहीं कर? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना। कल तो सब लड़का सब भूखले रहे, सब चीज डूब गया। हाँ, सारा चीज डूब गया। क्या क्या डूबा? आज चूड़ा मिललक, कल चूड़ा मिल तो लड़का से रात भर खेलक। हाँ, आई बेर फिर वा ले लिए तो खाई। घर में कितना पानी? बहुत, भर अथी डांड, भर जान, भर डांड। नहीं देखते हम लोग रोड पर है, क्या दिक्कत है? हर चीज का दिक्कत है, खाने पीने रहने के लिए हर चीज को, बाल बच्चा को सबको लेकर रोड कात में बैठना पड़ता है। पन्नी सही तो नहीं है, तो क्या चीज के, हर चीज का दिक्कत है। कितना दिन से चूल्हा चौका बंद है? 4 दिन से है, सब कुछ दह गया। दहर में तो हम लोग खाएंगे क्या? सरकार तो हाथ पर हाथ धके बैठा हुआ है। कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं देखने आया है। आया एक है, वो मुखिया है, वो आया देख के चल गया, कुछ दिया खाने उने के लिए नहीं,
नहीं तिरपाल ऊपर दे दे तुम लोग ठंडा में बैठो, बाल बच्चा के लेको आए आओ, गाड़ी में बैठ के चल गया, हम लोग तो जहीं के तहीं है, खुला आसमान के नीचे। हाँ देखिए आपको कम नहीं है, हम लोग ये है ये पर आते हैं, हम लोग बच्चा को लेकर बढ़ते हैं, देखते हैं पानी उन्नी है नहीं ना है। जो बागमती नदी के जलस्तर के वृद्धि के कारण और जो कई जगह पर सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तटबंध में ब्रीच हुआ था उसके कारण जलस्तर बढ़ा है, तो हम लोग लगातार आज तीसरा दिन है हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन पूरे जिले में जो हमारे दो प्रखंड मुख्यतः प्रभावित है, औराई कटरा और गायघाट का बहुत आंशिक एक दो गांव प्रभावित है, वहां 50 से ज्यादा कम्युनिटी किचन आज की तिथि में प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त भी लोगों की जहां डिमांड है, जैसे आप यहां भी देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि घर के पास ही हमारा कम्युनिटी किचन खोल दिया जाए ताकि आने जाने में असुविधा नहीं हो। वैसे हम लोगों ने अलाउ कर रखा है कि आप नाव के माध्यम से यहां आइए और अपने परिवार के सदस्यों का खाना आप लेकर के जा सकते हैं, ये कैंप की व्यवस्था हम लोगों ने की है। लेकिन लोगों की अगर डिमांड है कि उनके घर के पास किचन खोल दिया जाए तो इसमें बिल्कुल हम लोग लिबरल अप्रोच ले रहे हैं, और कुछ कैंप्स अगर 5-10 और खुलने की जरूरत होगी कम्युनिटी किचन तो वो आज हम लोग आज दिन में प्रारंभ कर देंगे। दो वरीय पदाधिकारी को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है, डायरेक्टर DRDA और जिला भूवर्जन पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त SDO और ADM आपदा प्रबंधन लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जिले से हम लोगों ने लगभग 20,000 पॉलीथीन इन आपदा प्रभावित प्रखंडों में पहुंचाया है, कल से बंटना भी शुरू हो गया है और हम लोग आज भी जो है काफी संख्या में पॉलीथीन सीट वितरित करेंगे, और कल तक हम लोगों का है कि हम लोग जो है पॉलीथीन सीट्स लगभग सभी परिवारों को हम लोग पहुंचा देंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों का मेडिकल कैंप चल रहा है, जैसे आज यहाँ आप जो उपस्थित हैं 61 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है, दवाई मिल चुकी है। कल भी जब हम लोग इसी समय में आए थे तो 150 से ज्यादा मरीज एक कैंप में, तो 7 हम लोगों का मेडिकल कैंप चल रहा है और एक जो है वो चलंत आप कह सकते हैं एम्बुलेंस के साथ वो सुविधा अतिरिक्त रखी गई है। इसके अतिरिक्त APSC और CSC में व्यवस्था है, और हम लोगों ने पशु दवा और पशु चिकित्सा के लिए डॉक्टर की व्यवस्था की है। PhD के हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो पेयजल शौचालय की आवश्यकता अनुसार जो है व्यवस्था कर रहे हैं, और जितने भी आपदा पीड़ित परिवार हैं, जब ये थोड़ा सा सिचुएशन से पानी काफी घटा है, कटरा में जो हम लोगों ने भ्रमण किया है पानी रोड से नीचे उतर गया है, लोगों के घरों के आसपास से भी पानी बाहर चला गया है, और आई में थोड़ी सी समस्या है, तो उस पर हम लोगों की नजर है। और जो भी सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जो GR की राशि मिलती है, अनुग्रह अनुदान की राशि, वो खाते के माध्यम से कल के बाद से अनुश्रवण समिति की बैठक करा करके, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी होते हैं, हम लोग उनके खाते में भी बहुत जल्दी हम लोग ट्रांसफर करना 2-4 दिन के बाद से शुरू कर देंगे। तो ये हम लोगों की तैयारी है और हम लोगों की पूरी परिस्थिति पर नजर है, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो इसके लिए लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं, और हम लोगों की पूरी टीम लगी हुई है। बच्चों के लिए ICDS सेंटर खोला गया है जहां हम लोग दूध की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और स्कूल पूर्व जो शिक्षा होता है वो भी गतिविधियां वहां पे संचालित की जा रही हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग की जो SOP है उसके अनुरूप हम लोग इसका पूरा अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को कम से कम दिक्कत हो वो हम लोगों का प्रयास है। SDRF NDRF की 4 टीम्स लगी हुई है, उनको भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि जो है जहां भी आवश्यकता हो लोगों को बाहर निकालने की, लोगों को बाहर निकालें, और SDRF NDRF के जवान मुस्तैद हैं। हम लोग सब लोग पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है कि लोगों को कम से कम समस्या